नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस पाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कटनी जिले के सलीमनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में सलीमनाबाद और छपरा के मध्य रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने शुक्रवार की दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें जबलपुर से सरला नगर मेहर वापस लौट रहे मोटरसाइकिल में सवार दूल्हे के जीजा की मौत हो गई। सड़क हादसे की खबर लगते ही राष्ट्रीय राजमार्ग में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। जानकारी सलीमनाबाद पुलिस को दी गई। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने जानकारी लेते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए सलीमनाबाद भेजा। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि गुरुवार को जबलपुर में विवाह समारोह था। बारात मेहर में गई हुई थी। वैवाहिक कार्यक्रम दो पहिया वाहन होंडा साइन गाड़ी दहेज में मिली थी, जिसे लेकर शुक्रवार को वैवाहिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे दूल्हे के जीजा हीरालाल बसोर निवासी कृपाल नगर सतना की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल में सवार कामता बसोर सतना महक बसोर सरला नगर को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस के द्वारा ट्रक चालक को मौके पर ही गिरफ्तार करते हुए प्रकरण दर्ज किया है और बोरिंग मशीन को जब्त कर थाने में खड़ा किया गया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान अमले में उप निरीक्षक राकेश पटेल, डीएस मार्को, सहायक उप निरीक्षक सतीश जाटव, प्रधान आरक्षक अंकित दुबे, राजा साहू उपस्थित रहे। एक्सीडेंट हुआ इस विषय में? आज दिनांक को ये जबलपुर से आ रहे थे। मृतक हीरा बंसकार, चुन्नी लाल बंसकार, शादी से लौट रहे थे। नई मोटरसाइकिल थी, हीरो होंडा शाइन। तो रिलायंस पेट्रोल पंप के पास सलीमनाबाद तरफ से रॉन्ग साइड से ये ट्रक नंबर TN64C9486 का चालक रॉन्ग साइड तरफ से आ रहा था और तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक उसने बाईपास में टक्कर मार दी मृतक की मोटरसाइकिल में, जिससे मृतक का सिर पिछले चक्के से पिछल गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सर, मृतक कहाँ का रहने वाला था? मृतक ये कृपालपुर, ग्राम कृपालपुर, थाना कृपालपुर, जिला सतना का। 289-337-304-1। सर के गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी? हाँ, रॉन्ग साइड से ट्रक आ रहा था। ये लोग सही तरफ से आ रहे थे, जबलपुर तरफ से अपना मैया तरफ। तो जो बाइक थी वो भी डैमेज हुई है? बाइक डैमेज हुई है, पूरा पिछले चक्के में आ गई थी तो हैंडल वगैरह पिछल गया पूरा, अगला चक्का पूरा ट्रक के नीचे था उसका। चलिए ठीक। कितने लोग बाइक पर सवार थे सर? बाइक में 3 लोग सवार थे। तो एक की मृत्यु हुई? हाँ, एक की मृत्यु, बाकी दो अभी घायल है। हाँ, बाकी ठीक है।